हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो कर्व्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन्स 2023। दोस्तों, कर्व्ड डिस्प्ले एंड्रॉइड के अंदर सबसे प्रीमियम एंड बेस्ट डिस्प्ले पैनल माना जाता है, जिस पर आपका कंटेंट व्यू एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप और बेस्ट कर्व्ड डिस्प्ले स्मार्टफोन्स बताऊंगा जो 25 to 40,000 के प्राइस बजट के अंदर मिल जाएंगे। इस वीडियो के लिए काफी रिसर्च एंड टाइम दिया है एंड देन टॉप और स्मार्टफोन्स शॉर्ट लिस्ट किए हैं, तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, सो बने रहिए। बट गाइस, सर आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नंबर वाइज किसी भी फोन को रैंक नहीं किया गया है, बिकॉज प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग चारों स्मार्टफोन्स बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी है। चलिए बात करते हैं पहले स्मार्टफोन की, जो मेरी लिस्ट में आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी 10 Pro Plus 5G। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, इसका सक्सेसर 11 Pro Plus ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें डिस्प्ले और एक्चुअल परफॉर्मेंस सेम मिलते हैं, बट डिजाइन, कैमरा नंबर और फास्ट चार्जिंग इनमें अपग्रेड किया गया है, बट उसके लिए आपको ज्यादा पे भी करना पड़ेगा। फिलहाल 25,000 के अराउंड 10 Pro Plus वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है और कर्व्ड पैनल के साथ इकलौता भी है। 6+128GB बेस वेरिएंट से आता है। इस फोन के अंदर 6.7 इंच का फुल HD प्लस कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, विद सेंटर पंच होल, 120Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, HDR10+ का सपोर्ट और ये 10 bit को सपोर्ट करता है, मतलब 1 billion कलर से ये शो कर सकता है। तो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले एकदम टॉप क्लास मिलता है। रियर साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन दिया गया है विद ग्लॉसी और मैट फिनिश। इसके अलावा ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे, प्राइमरी लेंस 108 megapixel का मिलेगा, वो भी सैमसंग के HM6 सेंसर के साथ, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16 megapixel की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से 4K 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी प्राइस के हिसाब से डिसेंट मिलती है। इसमें परफॉर्मेंस दिया गया है मीडिया टेक डायमेंसिटी 1080, जो कि 5G कैपेबल है, ओनली 6nm फैब्रिकेशन पर बना हुआ है, 5,20,000 के करीबन अंतत स्कोर निकालता है। गेमिंग आप यहां से अच्छी खासी कर पाओगे। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 मिलेगा, जो कि रियल में UI 4.0 पर बेस्ड है। ये 10 5G बैंड्स को भी सपोर्ट करता है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। बाकी इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और लिक्विड कूलिंग मिल जाएगी। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी प्राइस है 24,999। 25,000 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो S40 5G। ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है और अंडर 30 के वन ऑफ द बेस्ट स्पेक्स ऑफर करता है, लाइक 144Hz कर्व्ड पैनल, IP68 की रेटिंग, जो इस प्राइस पॉइंट पर अनबिलीवेबल। 8+256GB सिंगल वेरिएंट के साथ आता है। इसके अंदर 6.55 इंच का फुल HD प्लस कर्व्ड OLED डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंच होल, 144Hz के फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 1200 nits ब्राइटनेस और ये HDR वीडियो को भी सपोर्ट करता है, प्रीवियस 10 Pro Plus भी करता है। डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट मिलती है। डे टू डे यूजेज में कॉन्टेंट व्यू एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया मिलेगा। रियर साइड में PMMA बैक मिलता है, एक तरह से प्लास्टिक बोल सकते हो, और ये वेगन लेदर फिनिश के साथ आता है, बट फ्रेम आपको मेटल का मिलेगा। इसमें डुअल कैमरास दिए गए हैं, प्राइमरी लेंस 50 megapixel का मिलता है विद OIS, साथ में 13 megapixel का अल्ट्रा वाइड मिलता है, जो माइक्रो का भी काम करता है। फ्रंट साइड में 32 megapixel की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps पर, और अच्छी बात यह है कि OIS के साथ भी ये 4K सपोर्ट कर सकता है, तो कैमरा क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाएगी। इसके अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है मीडिया टेक डायमेंसिटी 8020, जो 5G कैपेबल है, ऑलरेडी 6nm पर बना हुआ है, और ये इस चिपसेट के साथ आने वाला फर्स्ट स्मार्टफोन है। और 7 lakh के करीबन अंतत स्कोर प्रोवाइड करता है। गेमिंग नियरली फ्लैगशिप कर सकते हो। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 मिलेगा, जो MIUX 13 पर बेस्ड है, जो बेसिकली स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देता है। इसमें 4400mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 68W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें थिंक शील्ड की प्रोटेक्शन, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, 15W वायरलेस चार्जिंग और IP68 की रेटिंग मिलती है, यानी कि ये फुली वाटर एंड डस्ट प्रूफ है। तो ये 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी प्राइस है ओनली 29,999। सिर्फ 30,000 रुपये में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है वीवो की तरफ से, वीवो V27 5G। 8+128GB बेस वेरिएंट से आता है। इस फोन के अंदर ऑफर किया गया है 6.78 इंच का फुल HD प्लस 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले विद सेंटर पंच होल, 120Hz फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और ये HDR कंटेंट भी सपोर्ट करता है।
तो डिस्प्ले अगेन टॉप क्लास दिया गया है नो डाउट। रियर साइड में ग्लास मिलेगा विद मैट फिनिश। इसमें ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का मिलेगा विद OIS जो कि सोनी के फ्लैगशिप IMX766 सेंसर के साथ आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 50 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। अच्छी बात यह कि इसके रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे 30 FPS पर। कैमरा क्वालिटी प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग दी बेस्ट मिलती है। जबरदस्त कैमरा एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसके अंदर परफॉर्मेंस दिया गया है MediaTek Dimensity 7200 जो कि ऑलरेडी 5G है और ये ओनली 4nm पर बना हुआ है। काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है और ये फर्स्ट स्मार्टफोन है विद दिस चिपसेट। ये 630,000 के करीबन अंततः स्कोर प्रोवाइड करता है, तो गेमिंग भी आप यहाँ से अच्छी खासी कर सकते हो। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 मिलेगा जो कि फनटच OS 13 पर बेस्ड है। इसमें 4500mAh की बैटरी दी गई है जो कि 66W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें सिर्फ सिंगल स्पीकर दिया गया है बट LPDDR5 रैम और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है फिलहाल 32,999, 33,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है OnePlus की तरफ से, OnePlus 11R। 8+128GB बेस पेरेंट से आता है और इस फोन के अंदर ऑफर किया गया है 6.74 इंच का फुल HD प्लस 1.5K कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले विद सेंटर पंच होल। 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेगा। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर HDR10+ सपोर्ट और ये 10 bit सपोर्ट करता है। डिस्प्ले अगेन टॉप क्लास दिया गया है। टॉप नॉच डिस्प्ले क्वालिटी मिलेगी। रियर साइड में ग्लास मिलता है विद मैट फिनिश। इसमें अगेन ट्रिपल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का दिया गया है विद OIS जो कि सोनी IMX890 सेंसर के साथ आता है। साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 60 FPS पर। फ्लैगशिप कैमरा एक्सपीरियंस कर सकते हो नो डाउट। इसके अंदर परफॉर्मेंस मिलेगा Qualcomm Snapdragon 8+Gen1 जो कि एक फ्लैगशिप चिपसेट है, ओनली 4nm फैब्रिकेशन पर आता है और ये 1 मिलियन के ऊपर अंततः स्कोर प्रोवाइड करता है। तो आप यहां से फ्लैगशिप गेमिंग भी कर पाओगे। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 मिलेगा जो कि ऑक्सीजन OS 13 पर बेस्ड है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 100W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, IR ब्लास्टर और LPDDR5X रैम, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगा। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इसकी प्राइस है 39,999, 40,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो वैसे ये थे टॉप कॉप डिस्प्ले स्मार्टफोन्स। होप करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।